हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मौशमी मिनी पार्क से और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बताया है कि उनके वहाँ भी विंटर गार्डन की प्रिपरेशन चालू हो गया है, और क्यों ना हो, अभी तो टाइम है ये सब करने की, अभी गार्डन को प्रिपेयर करने की टाइम है। तो मानसून जाने के बाद गार्डन की एक डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी था, और मानसून के वजह से जो प्लांट्स बहुत ही फैल गए थे वो सारे प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग कर दिया है मैंने। उसके बाद गार्डन की सेटअप थोड़ी चेंज किया है क्योंकि मुझे गार्डन की डीप क्लीनिंग करवानी थी। मानसून के बाद जो पत्ते वगैरह झड़ते रहते हैं, खासकर ये बोगनवेलिया के जो फूल झड़ते रहते हैं, बहुत गंदा हो जाते हैं गार्डन, तो उसके बाद डीप क्लीनिंग ज़रूरी था। और डीप क्लीनिंग के लिए सारे पॉट को हटाना पड़ा और काफ़ी सारे प्लांट्स जो समर के थे, जो समर पे बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर चुके हैं, वो सारे प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग करा दिया है मैंने, क्योंकि विंटर में तो वो सारे प्लांट्स को मैंने इस जगह पे नहीं रखने वाली हूँ, अलग जगह पे रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरे गार्डन के इस वाले हिस्से में ही विंटर पे धूप आते हैं। बाकी के गार्डन पे थोड़ी बहुत पहले आती थी, लेकिन अभी तो शेड बनवा लिया है तो इसके वजह से धूप बहुत ही कम आते हैं, और इस कॉर्नर पे ही जो धूप आते हैं वही आते हैं। तो विंटर गार्डन के लिए तो धूप बहुत ही ज़रूरी है, फूल खिलने के लिए। धूप ना मिलने पर विंटर के जो फ्लावर्स है वो पूरी तरह से नहीं खिलते हैं, तो इसके लिए मुझे इस जगह को खाली करवाना था। और ये सीढ़ी वाला जो पोर्शन है इस पे तो धूप बहुत ही कम आते हैं, आते भी है तो आधा घंटे के लिए आते हैं विंटर पे। तो ये सारा जो सेटिंग है इसका मुझे चेंज करना पड़ा, और इस जगह पे अभी देख सकते हो मेरे कॉक्सकॉम बहुत ही कलरफुल और बहुत ही खूबसूरती बिखर रहे हैं। और मेरे कॉक्सकॉम के जो वैरायटी है वो थोड़ी लंबा वाले हैं, बहुत ही ऊंचा लंबा हो जाते हैं, छोटे छोटे पॉट में लगा हुआ है, फिर भी देख सकते हो इसकी फ्लावर्स देखने के लिए मुझे सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है। और छोटे छोटे पॉट है, एक तो आटे की पैकेट में मैंने लगा रखा है और वो सबसे ऊँचा लंबा हो गया है। तो ये रहा वो प्लांट, और इधर एक प्लांट और भी है, वो है गोल्डन बैम्बू। और गोल्डन बैम्बू बहुत ही ऊंचा लंबा हो गया था तो उसके लिए मुझे एक कॉर्नर चाहिए था, और मुझे अभी लग रहा है ये कॉर्नर इस प्लांट के लिए सही है, क्योंकि मेरे घर में दादा है, परी है, तो इसके वजह से उन दोनों को चोट ना पहुँचे, तो मुझे ये कॉर्नर इस प्लांट के लिए सही लगा। काफ़ी सारे फ्रेंड्स मुझे लाकी बैम्बो कहाँ से ख़रीदी है पूछे हो, तो मैंने नर्सरी से नहीं ख़रीदी है, क्योंकि नर्सरी में जो प्लांट्स मिल रहे थे बहुत ही बड़ा बड़ा था, जो कि मेरे गार्डन पे लाने में बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो मैंने हमारे यहाँ जो लोकल बाज़ार है वहाँ से, मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं प्लांट्स ख़रीदने जाती हूँ मार्केट में, तो वो वीडियो में आप देख सकते हो, मदन मोहन तला करके एक जगह है जहाँ पे एक मार्केट है, तो वहाँ पे एक लड़का प्लांट सेल करते हैं, तो उस लड़के से मैंने ये प्लांट लिया था। बहुत ही छोटा था तो लाने में कोई दिक्कतें नहीं आई थी, उसके बाद तो ये प्लांट इतना बड़ा हो गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो को आप सबने पसंद किए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं, ओके बाय, टाटा।